Hi everyone, welcome back to the current affairs series of agriculture and rural development for the upcoming NABARD examination. My name is Pooja Rawat and this is our 18th session in line with that. So before we begin our session, all those people who are watching this channel for the first time, you can subscribe to it and you can press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can discuss among your peers and you can also post your queries. Right, so let's start our session with the first question. It says AS Agri and Eco LLP, one of the leading agriculture development and agrotech solution companies in India, have introduced this soil-based vertical farming. Now you have to identify the correct statement with regarding to that. So first thing, what is vertical farming? Right, so vertical farming mein kya hota hai? Instead of growing your crops on a horizontal piece of land, नॉर्मली कन्वेंशनली आप क्या करते हैं, एक लैंड है, हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर आप अपनी क्रॉप ग्रो करते हैं फ्लैट लैंड में, राइट. वर्टिकल फार्मिंग में यू विल बी ग्रोइंग योर क्रॉप्स इन वर्टिकल स्टैक्स, राइट. सो इस तरीके के वर्टिकल स्टैक्स होंगे एंड देन यू विल बी ग्रोइंग योर क्रॉप्स हेयर लाइक दिस. नाउ हाउ द सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल और फ्रॉम द प्रेजेंट वर्टिकल फार्मिंग इन इंडिया. सो अभी जो वर्टिकल फार्मिंग होती है दैट इज वाटर बेस्ड होती है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक जिसे हम बोलते हैं. तो जो भी आपको क्रॉप ग्रो करनी होती है, देयर इज अ पॉट लाइक दिस, ओके, इज अ वाटर एंड जो आपके रूट्स होंगी क्रॉप्स की, प्लांट की, दैट विल बी सबमर्ज्ड इन दिस वाटर एंड दिस वाटर विल प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द प्लांट नीड, द क्रॉप नीड्स फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है. तो अभी तक क्या था, वाटर सारा का सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा था, बट नाउ दिस कंपनी हैव इंट्रोड्यूस सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग. तो सॉइल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वाटर. नाउ द स्टेटमेंट हियर इज, फर्स्ट इट विल हैव रिड्यूस्ड रिस्क फ्रॉम पेस्ट एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स. सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जो वर्टिकल फार्मिंग होती है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, ठीक है. तो यहाँ आपके वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू डोंट, योर क्रॉप इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और द मॉनसून कंडीशन. सो इट्स नॉर्मली इम्यून फ्रॉम दीज वेदर कंडीशंस एंड फ्रॉम द पेस्ट. तो इंडोर होता है, नॉर्मली इंडोर कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होती है ये, राइट. सो इट विल गिव 50-60 टाइम्स हायर यील्ड पर एकर. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, जो उनका यील्ड है दैट इज 50-60 times higher than your conventional farming, right? So both of these statement are correct. Correct option here is C. So let's talk about a little more about the vertical farming. This is the practice of growing crops in vertically stacked layers. We have already talked about it, right? You can see here, these are the layers, okay? Or lettuce जो है यहाँ पे grow किया जा रहा है, इस तरीके के stacks हैं और इस तरीके से farming की जाती है. Advantages की अगर बात करें, so first thing is the year-round quality produce. Since it's not dependent on your external factors, so aap kya karenge, saal bhar you can produce the crops, right? Second is the higher yield per acre. So we have discussed this. Now the it's being cultivated in a controlled environment. ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है. देर इज एलिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल. क्या होता है, जो आपका एग्रीकल्चर में टॉप सॉइल होती है विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट गेट्स वॉश्ड अवे. सो ये सारी प्रॉब्लम अब वर्टिकल फार्मिंग में नहीं होंगी. देन द एबेंडेंट और अनयूज प्रॉपर्टीज कैन बी यूटिलाइज, राइट. सो जो एबेंडेंट लैंड है, जो इनफर्टाइल लैंड्स हैं और जो कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनमें अब कोई लोग नहीं रह रहे हैं, these can be utilized for the vertical farming purpose. तो आप buildings में easily in stacks को क्या कर सकते हैं, construct करवा सकते हैं वहाँ, and then you can grow your crops. There will be a reduced risk from pest and changing weather patterns. So we've discussed this. Now extremely minimal chances of crop failure, since your crop is not dependent on the amount of rainfall or the amount of temperature, sunlight, इन सब चीज़ों पे depend नहीं कर रहा है. Everything is controlled in these vertical farming. So there are very minimal chance of crop failure. Last, sustainable production for urban centers. So we already know that urbanization is increasing day by day.
यू नो पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू द अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ बेटर अमेनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, राइट? सो माइग्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. और इन फ्यूचर दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज इन दिस अर्बन सेंटर्स. सो इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पीपल, दिस वर्टिकल फार्मिंग कैन प्ले अ मेजर रोल, राइट? तो जितने भी सिटीज़ हैं उसके इन एंड अराउंड जो भी अनयूज्ड लैंड है या बिल्डिंग्स है, दे कैन बी यूटिलाइज फॉर वर्टिकल फार्मिंग. एंड सिंस द ईल्ड इज मच मोर देन द कन्वेंशनल फार्मिंग, दिस विल ईजिली cater to the need of food security of this urban people, right? So I hope you understand about the vertical farming, how it's grown and what are its benefits. Now let's move on to the second question. It says, recently the West Bengal cabinet decided to hike the annual allocation to every farmer under the Krishak Bondhu scheme. ठीक है, तो कृषक बंधु स्कीम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी. और रिसेंटली इसमें क्या है, जो प्रीमियम दिया जाता था farmers ko, beneficiaries ko, it has been increased. The first statement says it has been increased from earlier rupees 5000 to rupees 10000 now. So this one is correct. Pehle jo crop insurance premium hota tha, to isme actually two parts hain, crop insurance and your life insurance. Theek hai, so two components hain. So under crop insurance component the government gave rupees 5000 to these farmer in two installments, but now this amount has been increased to 10000. Second is it also provide life insurance cover of rupees 2 lakh to each beneficiaries. So this one is also correct. So jitne bhi farmers jo identified hue hain is scheme ke under, they have been given a life insurance cover of rupees 2 lakhs in case a farmer dies. So uski family ko kya hoga, 2 lakh rupees diye jate hain. So both of these statements are correct and C is the right option. Now talking of the third question, it says recently UNDP India has released an independent report and lauded aspirational district program as a successful model of local area development. ठीक है, so जैसे कि हमें पता है aspirational districts program में क्या किया गया था, government ने जो backward areas हैं ठीक है उनके complete transformation के लिए उनको identify किया था based on few human indicators like the status of education or the health facilities or the sanitation. In sare basis pe these districts were identified and they were the backward districts or identified by left wing extremism. ठीक है, तो इसका benefit क्या था, जो regional imbalance है India में, कुछ areas हैं which are performing much better than the other areas, उस regional imbalance को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च. एंड यूएनडीपी इंडिया हैज़ अप्लॉडेड दिस प्रोग्राम एंड सेड दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो वेयर देर इज अ रीजनल इम्बैलेंस. तो जिन भी कंट्रीज में देर इज रीजनल इम्बैलेंस, दे कैन डुप्लीकेट दिस प्रोग्राम इन देयर कंट्री. सो इन रिगार्ड टू एडीपी, दैट इज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इज it is under the aegis of Ministry of Rural Development, wrong. The agency that is responsible for this aspirational district program is Niti Aayog. ठीक है, तो Niti Aayog responsible है. Second statement here is a total of 117 aspirational districts have been identified for rapid transformation by 2022. So this one is also correct. So total 117 aspirational districts हैं जिनका कि 2022 तक, by 2022 there would be a rapid transformation. So positive improvement जो है in different indicators किया जाएगा. So both of these statement are correct. Let's talk about a little more on the aspirational district program. So under this program a total of 117 aspirational districts are identified. ठीक है, so these district would be transformed by 2022. Now the broad contours of the program are, इसमें जो major focus है वो किन चीज़ों पर किया गया है. First one is the convergence. Convergence किसका, central और state schemes का. ठीक है, तो state क्या है, अलग schemes run कर रही हैं, central government अलग schemes run कर रही हैं, तो इन सारे schemes का convergence करना, इन सारे schemes को आपस में एक साथ लेकर आना है for the better delivery. Then the another focus is on collaboration. Collaboration किसका,
जो जितने भी डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं देट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, उन सभी को कलेबरेशन होगा. एंड देन देयर इज अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट. तो एक कॉम्पिटिशन कराया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो दीज आर दी मेजर फोकस अंडर दिस स्कीम, दैट इज कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स. नाउ द सिलेक्शन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडिकेटर्स. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर बींग आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फ्यू इंडिकेटर्स, विच आर योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, विच अकाउंट्स फॉर 30%. देन योर एजुकेशन, इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 30%. Then the agriculture and water resources, the status of agriculture and water resources, which weighs around 20%. Then another indicator is the financial inclusion, the level of financial inclusion and the skill development of the people. It weighs around 10%. And then the basic infrastructure that is available in the districts. So it also weighs around 10%. So these are the criteria based on which these districts have been identified, right? So let's move on to the next question. Consider the following statement with respect to the current status of organic farming in India. So organic farming, aapko, it's always present in the news, hai na, hamesha news mein rehta hai organic farming. So iske regarding kuch statements hai. Aur recently Indian jo organic product ka export hai, this has increased to around 51%. ठीक है, तो अभी इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है न्यूज़ में था काफ़ी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज, इट अकाउंट्स फॉर जस्ट 2% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया इन इंडिया. ठीक है, सो द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन अगर आप इंडिया का देखें, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग अकाउंट्स फॉर ओनली 2%. ठीक है, सिर्फ 2% एरिया में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, यू डोंट यूज द केमिकल्स और द फर्टिलाइजर्स, है ना, आप क्या कहते हैं मेन्योर्स, आप ऑर्गेनिक जो मेन्योर है वो यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द कन्वेंशनल फार्मिंग. हेयर यू डू नॉट यूज़ एनी केमिकल्स. सो फर्स्ट वन इज ओनली 2% एरिया इज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. सेकेंड स्टेटमेंट हेयर इज, मध्य प्रदेश विद 0.76 million हेक्टेयर इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टिवेशन. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो मध्य प्रदेश जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन. ऑलमोस्ट अगर आप देखें 60% अगर इंडिया का जो ऑर्गेनिक कल्टिवेशन होता है दैट इज मोस्टली इन मध्य प्रदेश एंड योर महाराष्ट्र, इन्हीं स्टेट्स में होते हैं. ठीक है, ऑल्दो आपने सिक्किम सुना होगा कि सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, बट इट अकाउंट्स फॉर, इसका अगर आप एरिया अंडर कल्टिवेशन देखें दैट इज़ वेरी लेस. ओके, सो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट. Now, let's talk about the question number 5th. This is the last question of today's series. Choose the correct statement with respect to red rice. So, last session mein humne village rice ke bare mein discuss kiya tha. And while we were talking about the village rice, there was some discussion going on among about the red rice or the black rice. So, this red rice, iska jo first consignment hai, wo US ko gaya tha in the month of March this year. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल्सो बींग डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द विलेज राइस एंड द ब्लैक राइस वॉज ऑल्सो डिस्कस. ओके, सो रेड राइस के रिगार्डिंग दीज आर फ्यू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज आयरन रिच रेड राइस. तो रेड राइस का फर्स्ट बेनिफिट क्या है, दिस इज आयरन रिच. इट्स ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो रेड राइस इज रिच इन आयरन एंड इट डू नॉट require any chemical fertilizers. Okay, जो farmers हैं वो किसी भी तरीके के chemical fertilizer यहाँ पर use नहीं करते, सिर्फ organic manures use करते हैं. Second is the rice variety is referred to as bao dhan. ठीक है, तो इसको असम में जो है locally bao dhan बोला जाता है, which is an integral part of Assamese food, right? Third statement here is it looks red due to the presence of a component called anthocyanin. So this is the component that is responsible for giving this rice a red color. So this pigment is also responsible for a purple color of your cabbage. Purple cabbage आपने देखी होगी, है ना, उसमें भी यही component, ये pigment पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें purple color आता है. तो based on the pH of this component जो crop का color है वो vary करते हैं.
So all of these statements are correct, and the correct option here would be all of the above, right? Now, since we have talked about the village rice and red rice, you need to tell me, where do we grow this black rice? Black rice kahan hota hai India mein? Okay, you have to tell this in the comment section below. So this is about the today's session. I hope you like it. In case you have any queries, you can post it down in the comment section below, right? So we'll see you in the next session. Till then, keep working hard, keep studying. Bye-bye.